नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तैयार भी हो गई और तेरा अभी तक नाश्ता भी खत्म नहीं हुआ। चाची ये लो चाबी, मम्मी का ख्याल रखना। हाँ बेटी। और चाची चाबी नाना जी को ही देना। अच्छा बेटी, न काम का न काज का, ढाई मन अनाज का। एक वो है अपनी माँ का कितना ख्याल रखती है, और तू? उसकी माँ तो पागल है, तुम भी पागल हो जाओ, फिर देखा मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूँ। अरे मेरा ख्याल रखेगा तू? गजानन बताओ, शिव का धनुष किसने तोड़ा? मुझे क्या मालूम सर, मैं तो वहाँ था भी नहीं। खामोश! तुझे नहीं मालूम कि शिव का धनुष किसने तोड़ा? सर, किसी का कुछ भी टूट जाता है तो नाम मेरा लगता है। मैं तो लफड़े से हमेशा दूर रहता हूँ। मैं अगर शिव का धनुष तोड़ूंगा तो मेरा बाप मेरी खोपड़ी नहीं तोड़ेगा। खामोश! गुड मॉर्निंग सर। ये स्कूल आने का टाइम है, इतना लेट? ये तो रोज लेट आती है सर, आप तो आज ही आए हैं, हमें तो आदत हो गई है। मैं लेट आना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। जाओ अपने पिता को लेकर आओ। सर इसके पिताजी तो नहीं है सर। नहीं है, गुजर गए? नहीं सर, इससे तो पता ही नहीं किसका बाप कौन है। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा बाप कौन है? सर इसकी माँ को भी पता नहीं कि इसका बाप कौन है। कहाँ जा रही हो? किताबों से आप कोई भी सवाल पूछिए, मैं उसको जवाब फटाफट दे सकती हूँ, मगर इनमें से कोई नहीं दे सकता। अगर आप बाप के बारे में पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं दे सकती, ये फटाफट दे सकते हैं। अब मैं क्लास में उसी दिन आऊंगी जिस दिन अपने बाप का नाम भी फटाफट बता सकूं। मैं तो मोटा हूँ। मैं तुझे
मार दो। तेरे टुकड़े टुकड़े। आंटी जरा छोटे छोटे टुकड़े करना। मैं तो डर गई। मैंने दरान फेंक दिया। चाची पकड़ो पकड़ो। क्या हुआ? आपकी बेटी दरात लेकर मुझे मारने को दौड़ी थी। अपनी बेटी को कहीं और ले जाइए। इस पगली के लिए अभी इस गली में कोई जगह नहीं है। तुम नहीं ले जाओगे तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा। नहीं 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 बेटी नहीं। अब मेरी बेटी की वजह से आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं अस्पताल में इसे दाखिल कराने का बंदोबस्त करके आया हूँ। ऐसा मत कीजिए, दवा पी लीजिए। ऐसा मत कीजिए, दवा पी लीजिए। कुछ नहीं हो सकता डॉक्टर साहब। हो क्यों नहीं सकता, मगर गांठ से शुरू करके पीछे लौटना होगा। कि उसका कौन सा सिरा कहाँ उलझा, कैसे उलझा? मुझे कुछ ज्यादा तो पता नहीं डॉक्टर साहब। एक रात इसका एक्सीडेंट हो गया, जान तो बच गई मगर इसकी जायदाद जाती रही। पागल होने के 3 महीने के बाद ये पता चला कि इस बदनसीब जान के पेट में एक और जान है। पागलपन में ही मिन्नी पैदा हुई। इसे ये पता नहीं कि मिन्नी इसकी बेटी है और न ही ये ज्यादा कि इसकी बेटी का बाप कौन है। आई अंडरस्टैंड, हमारी भी कुछ मजबूरी है। हाँ, अगर किसी तरह इसकी बच्ची के बाप को इसके सामने लाया जा सके तो इसकी याददाश्त वापस लौट सकती है। अब कहां से लाऊं उसे? अपनी बच्ची के मन के अंधेरे में चिराग लेकर कहां ढूंढूं कि वो शख्स कौन है, उसका चेहरा कैसा है? नाना जी। क्या है मिन्नी? तो मेरे पापा है ना। क्या बात करती है, तेरे पापा नहीं होते तू कहां से पैदा हो जाती? मेरे पापा कहाँ होंगे नाना जी? क्या मालूम, आप ही तो कहते थे मेरे पापा शहर में हैं। शहर में? हाँ, शहर में ही होंगे कहीं तेरे पापा। पापा नहीं आएंगे तो मम्मी ठीक नहीं होगी ना। तू चिंता क्यों करती है, मैं हूँ ना। सो जा मेरी बेटी। अगर किसी तरह इसकी बच्ची के बाप को इसके सामने लाया जा सके तो इसकी याददाश्त वापस लौट सकती है। नाना जी, पापा नहीं लौटेंगे तो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं होगी। मैं पापा की खोज में शहर जा रही हूँ, माँ का ख्याल रखना। अब मैं पापा को लेकर ही आऊंगी, आपकी मिनी बेटी। बस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी। तुमने मुंह खोला कि मैं समझ गया कि तुम क्या पकोगे। जंगानिया साहब, मेरी 4 करोड़ की जमीन है, आप हमें 2 करोड़ दे दीजिए, जमीन आपकी। जर हो के जोरू के जमीन, एक बार जंगानिया की नजर में चढ़ गई तो जंगानिया की हो गई। जमीन तो मेरी ही है चुनाव सेठ। ओके, मैं आपसे मोल भाव नहीं करना चाहता जंगानिया साहब, कम से कम 1 करोड़ तो दे दीजिए। 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं चुनाव सेठ। 100 लाख, 10,000। तुम्हारी उंगली कट जाए तो जंगानिया उस पर पेशाब करने का भी रोकड़ा लेगा, रोकड़ा। लेकिन जंगानिया साहब, जमीन तो मेरी है, मैं उसका मालिक हूँ। ये तो हम भी जानते हैं और अदालत भी जानती है। आखिर ये 10 एकड़ जमीन ही तो है, मगर 10 साल में तुम 10 एकड़ जमीन से 10 इंच भी खाली नहीं करवा सके। क्यों? क्योंकि ये जमीन जंगानिया साहब के कब्जे में है। जंगानिया को एक ही काम आता है, लेना लेना लेना।
देता तो सिर्फ मैं एक ही चीज हूँ, सजा सजा सजा। जा भाग जा। 100 लाख तो क्या, 100 पैसे भी नहीं दूंगा। जरा फिर से सोच लीजिए जंगानिया साहब, नहीं तो बस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी। मैं समझ गया तू क्या पकेगा, रंजीत। हाँ, रंजीत के पास जाएगा। अरे जा, जंगानिया का कोई एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता, उखाड़ना तो दूर की बात है। गेट आउट। जंगानिया ने क्या कहा? गेट आउट। और मैंने क्या कहा? तशरीफ रखिए। जंगानिया ने क्या कहा? 1 पैसा भी नहीं दूंगा। और मैं कहता हूँ 25 लाख दूंगा। हाँ चुनाव सेठ, कहीं ये मत समझना कि मैं आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहा हूँ। हाँ चलिए, आप इन कागजात पर दस्तखत कीजिए, जमीन खाली कराना मेरा काम। लेकिन वो तो कह रहा था कि ये काम आपके बस का नहीं। हम दोनों एक ही खेल के खिलाड़ी हैं चुनाव सेठ, हमारा आपस में नहला दहला बेगम बादशाह तो चलता ही रहता है। लेकिन मेरे पास एक इक्का है जो जंगानिया के पास नहीं। वो काम जो न जंगानिया कर सकता है ना मैं, वो सिर्फ वही आदमी कर सकता है। एक एक तो भाग जाऊंगा।
गोली मार दूंगा। वो साला रंजीत अक्सर मुझसे बाजी मारे जाता है। रंजीत तो आपके पाँव की जूती है सर। जूती है लेकिन कील बनकर चुभता है। उस रंजीत का नाम सुनते ही मुझे बुखार चढ़ जाता है। मैंने कहा मेरी दवा कहाँ है, मेरी दवा कहाँ है? आपकी दवा तो रेडी है सर, वो देखिए। ये तुम्हारी कीमत नहीं, मेरा शुक्रिया है विक्रम। ए फकीरा, तेरी ख्वाहिश ना तुझे एक नया रिक्शा चाहिए, चल फटाफट एक ब्रांड न्यू रिक्शा ले ले, चखा चक। अच्छा भैया। जल्दी से जाकर अपनी बेटी के गहने छुड़वा लो, नहीं तो ससुराल वाले नाराज हो जाएंगे। ए बच्चा पार्टी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार। तो फिर चलो मैं तुम लोगों को एक मजेदार जगह ले चलता हूँ। हिल जाता है। अरे भूख लगी है, खाना खाना, चल बाजू हट। दिखता नहीं ये 5-स्टार होटल है। अबे 5-स्टार में जाने के लिए क्या भूख भी 5-स्टार होनी चाहिए? ये होटल भूखों के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिनका पेट भरा हुआ हो और जेब भरी हुई हो। यानी कि जिनकी जेब में गर्मा गर्म नोट तक दिना दिन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? तक दिना दिन, तक दिना दिन। पे रहने वाला अंधेरों का मैं हूँ उजाला। फुटपाथ पे रहने वाला अंधेरों का मैं हूँ उजाला। मैं ना किसी से करूँ रिस्पेक्ट का डांस करूँ, आजा मेरे साथ जरा झूम के गले। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। एक दो तीन मैं तो करूं लोगों से प्यार, बेशुमार सारा जमाना मेरा यार। मैं तो करूं लोगों से प्यार, बेशुमार सारा जमाना मेरा यार। बम 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 मेरी है। We'll be right back.
दूं, सच्चाई में खुल के बोल दूं, बेईमानों की पोल खोल दूं, सच्चाई में खुल के बोल दूं, सुबह यही शाम यही करता हूं काम यही, 1-2 का 4 और 4-2 का 1। दुश्मनों का दुश्मन मेरा नाम है लखन। तक दिन दिन तक दिन दिन ये न तेरी है, बम 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 मेरी है, चमके बजाओ बैंड बाजा, मैं तो हूँ यारो बम का राजा, चमके बजाओ बैंड बाजा, मैं तो हूँ यारो बम का राजा। वाह फकीरे, तेरा नया रिक्शा तो जोरदार है। विक्रम ने पैसे दिए थे। अरे विक्रम के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। 10 साल से जिस जगह को जंगानिया से कोई खाली नहीं करवा सका, उसे विक्रम ने एक ही रात में खाली करवा लिया। अरे मेरे जीजा ने दहेज के लिए मेरी बहन को घर से निकाल दिया था, तो विक्रम ने उसकी ऐसी धुलाई की कि अब रात दिन वो मेरी बहन की आरती उतारता है। वो तो है, विक्रम जो कहो कर देता है। क्या चाहिए? ये क्या है? तुम पैसे लेकर कुछ भी कर सकती हो ना? किसने कहा? पुलिस वालों ने? वो यही कहेंगे। मैं तुझसे कुछ नहीं लूंगा, बता तुझे क्या चाहिए। तेरे बाबा का नाम क्या है? नहीं मालूम। काम क्या करते हैं? नहीं मालूम। वो रहते कहाँ हैं? नहीं मालूम। तो फिर क्या मालूम है? मुझे मेरे पापा चाहिए। उनकी उनकी कोई तस्वीर? नहीं है। तेरे को उनके बारे में कुछ नहीं मालूम, तो फिर मैं तेरे पापा को कैसे ढूंढ सकता हूँ? तुमने कितने लोगों की मदद की है, मेरे पापा को भी कोच कर ला दो ना अंकल। इस दुनिया में कौन किसका बाप है, यही ढूंढना तो मुश्किल है बेटे। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं अंकल। आप ये पैसे नहीं ले सकते तो इन्हें मेरे पापा को दे दीजिए और उन्हें मेरे साथ भेज दीजिए अंकल, प्लीज। इस दुनिया में पैसे देकर किसी को माँ बनाने वाले बहुत मिलते हैं, मगर पैसे लेकर भी कोई बाप बनने वाला नहीं मिलता बेटी। तो मेरे पापा नहीं मिलेंगे? मिलेंगे बेटी, जरूर मिलेंगे। ये तो बता तेरा घर किधर है? नहीं बताऊंगी। तू रहती कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगी। क्यों? बताऊंगी तो तुम मुझे मेरे घर छोड़ोगी अंकल। मेरे पापा नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी, मगर घर नहीं जाऊंगी। वहाँ मुझे सब लोग गाली देते हैं। क्यों गाली देते हैं? क्या गाली देते हैं? बोलते हैं मुझे पता नहीं मेरा बाप कौन है, बोलते हैं मेरी माँ को भी पता नहीं कि मेरा बाप कौन है। जो गाली देते उनको पता उनका बाप कौन है, और अगर जानते भी हैं तो गारंटी क्या है कि उनका असली बाप वही है? वो तो माँ है जो बताती कि ये तेरा बाप है। ये सिर्फ हर माँ की मेहरबानी होती मेरी, वरना इस दुनिया का हर आदमी हरामी होता। जो तुझ जैसे मासूम बच्चे का जीना हराम कर सकते हैं, असली हरामी तो वही हैं, उन जैसे लोगों के टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। मैं तेरे माँ का पता लगाऊंगा मिनी। तुम्हें खाना खाया? कितना मुश्किल दूर हो जाएगी हो? कैसे हो चाची?
मियाँ। अबे तू अपने मुंह की फिक्र कर, मेरे मुंह की फिक्र मत कर, सब कुछ खत्म हो गया। क्या तो भी खत्म हो गया, जरा सीधी तरीके से बोल। एरम तकी, तेरा बसा बसाया घर उजड़ गया। क्या? अब तेरा क्या होगा एरम तकी? अभी दुनिया में मेरे सिवा तेरा आइकॉन। अरे सीधी तरीके से बोल, नहीं तो ऐसा झापड़ मारूंगी कि मुंह के अंदर बवासीर हो जाएंगे। हाँ। एरम तकी, तेरे विक्रम ने और किसी को घर में बिठा लिया है। क्या तो भी बोल रहा है रे भाड़ खाओ? एक 6-7 साल की बच्ची है जिसको विक्रम बेटी बोलता है। हाँ? अब बेटी आ गई तो माँ क्या दूर होगी? देख देख उधर देख। तीन दिन बाहर क्या गई? नक्शा ही बदल गया। ये तो सचमुच विक्रम की बेटी लगती है। अरे राम क्या क्या क्या? बैठ बैठ। तू कौन है गे? तू कौन है गे? मुझे गे बोली? तू भी तो मुझे गे बोली। जीरे भर की छोकरी और चुमटे भर की जबान। जीरा किसको बोली? तेरी जबान तो इतनी कड़वी है कि तुझे काली मिर्ची बोलनी चाहिए। हाँ काली मिर्ची? तू काली क्लूटी बैंगल लूटी क्या? खबरदार जो मेरी बेटी को हाथ लगाया। अच्छा तो ये बात है बेटी, मैं भी देखती हूँ बेटी की अम्मा को। चीर के नहीं रख डाला तो मैं अनाम भी राम तक नहीं। हाँ अंदर जाने दे। अंदर ना आए। जाने दे। अंदर ना आए। हाँ। अबे जब से मैंने औरत मर्द का फर्क जाना है तभी से ये तय कर लिया था कि रामटेकी की जिंदगी में कोई मर्द होगा तो तू होगा, और तू दूसरे जरूर अंदर क्या है? अंदर कोई नहीं है। कोई नहीं है? हाँ। किधर है कि तेरी अम्मा? मैं क्यों बताऊं? कैसी है तेरी अम्मा? मेरे से सुंदर है? तुमसे बहुत अच्छी है, और तेरी तो रबोट बोल नहीं करती। और तो, अरे नमक हराम हो, राम तक मैं हंसते हुए शर्म नहीं आती। मैं क्या थी और क्या तो भी हो गई, और ये सब इस बुए की वजह से। विक्रम मैं आज पैसा किए बिना नहीं जाऊंगी। हाँ ठीक है, जाती हूँ, मैं मरी जाती हूँ। ऐसी जिंदगी से तो बहुत बेहतर है। बस्ती वालों सुनो, बस्ती वालों, राम तक की मरने जा रही है। हाँ मेरे मरने के बाद पुलिस में रिपोर्ट लिखा देना कि मेरी मौत का जिम्मेदार यह मुआ है। हाँ विक्रम मुझे भी रोक ले, नहीं तो तेरे को 300 लग जाएगी। हाँ मैं क्यों रोकूं? अच्छे काम के लिए रोका थोड़ी करते हैं। राम टकी। मुझे मालूम था ये मुझसे प्यार करता है, मुझे रोक लेगा। अगर कूदना ही है तो तीसरी पहाड़ी से नहीं, चौथी पहाड़ी से कूदना, वो ज्यादा ऊंची है।